घर नहीं खे हम निशा के बेगर घर के बानी सन किराया पर आई ला सन वो भी पानी आ गल बा। करीब रात के 12 बजे हैं और अभी मैं इस वीडियो को दिखाने का पर्पस बस इतना है। पानी में काहे जाग रही हैं? का चूजी चूजी का चूजी। ये बच्चा सो रहा है और गोले से चौकी पे पानी बरस रहा है। ये व्यवस्था सरकार यही की है चाची जी। प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए, आप दो तरह के बिहार में रहते हैं, एक बिहार जहाँ पे बाढ़ ग्रसित रहता है हमेशा और एक वो बिहार जहाँ सूखा रहता है। गंगा उस पार का बिहार, उत्तरी बिहार जो बाढ़ से ही तबाह रहता है साल भर, और गंगा इस पार का बिहार जो सुखाड़ से ही। यहाँ दो तरह के किसान भी हैं, एक किसान जिनका धान गल जाता है पानी में और एक किसान जिनका धान सूख जाता है। तो इस तरह के चैलेंजेस से बिहार जूझता है हर साल। और अभी हम पटना के मरीन ड्राइव पे हैं। ये मरीन ड्राइव पे जो टेंट देख रहे हैं, इसमें जानवर देख रहे हैं, सब ये आसपास का एरिया का है जो गंगा के प्रकोप से बुरा हाल में है। कुछ इस बस्ती के हैं बगल के और कुछ गंगा उस पार के जो छपरा का इलाका पड़ता है वहाँ से। सारे लोग को रातों रात उठा के लाया गया है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि बाढ़ से बुरा हाल हो गया है, जानवर तक को यहाँ पे विस्थापित करना पड़ा है। तो ये बिहार की स्थिति है। करीब रात के 12 बजे हैं और अभी मैं इस वीडियो को दिखाने का पर्पस बस इतना है कि आज 2024 में भी जब तमाम राजनीति का मुद्दा फलाना फिलाना चिलाना सब है, तो बाढ़ आज भी एक परमानेंट समस्या है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कई लोग हैं, देखिए यहाँ जानवरों का चारा रखा हुआ बैठे हैं भैया। कहाँ से हैं आप लोग, कहाँ पे रहते हैं आप लोग? कुर्जी बिंडोली। कुर्जी, तो इधर पे रहते हैं आप? हाँ, यही पे रहते हैं। अच्छा, आप लोग तो इधर पे। तो क्या हुआ था, बारिश पानी भर गया था आगे ऊपर? पूरा पानी घर में हो गया था, पूरा मैंने कि डूबने लगा ना, तब हम लोग ऊपर भाग के आए। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं करती है सरकार परमानेंट? हर साल ऐसा होता होगा? हर साल नहीं होता, बस इस साल हुआ है। इस बार ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया, तो उतना पानी नहीं आ रहा। हम लोग ऊपर भाग के आए हैं। तो 12 बजे, अभी एक बात बताइए, लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी रात के 12 बजे है लगभग, 12 बजे आप लोग जाग कह रहे हैं? अभी तो सोने का टाइम हो जाता है। सोने के टाइम देख नहीं रहे कितना पानी ऊपर से नीचे देह पर पड़ रहा है, पानी पड़ रहा है, तो सोते हैं कैसे? देखिए, अभी देखिए इनके हाथ पे पानी गिरा। टेंट ये लोग लगा के गया है जिसमें से पानी चू रहा है। तो टेंट ये लगाए हैं, कोई काम के नहीं लगाए हैं, खाली शो में लगा दिया है कि हम सरकार कोटा पूरा किया कि बस हो गया। हाँ, कुछ तो हो रहा है नहीं? हाँ, ये शो में लगा दिया है दिखावत के लिए। यकीन मानिए, ये हम भागलपुर और उधर होते तो ये भी नहीं मिलता। ये तो पटना मरीन ड्राइव है, तरह तरह के चमकदार लोग यहाँ पे आते हैं, तो भैया दिखना भी चाहिए। हाँ, कुछ नहीं। देखिए बच्चा सब है, क्या कर रहे हो जी? अभी पढ़ाई लिखाई आजकल हो रहा है कि नहीं? सब खत्म है। क्या करते हैं आप? हम क्या, हमसे किसान है, खेती बाड़ी करते हैं। तो जानवर वगैरह सब लेके ऊपर आ गए हैं अब? हाँ, सब ऊपर। आजकल कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। खाना पीना मिल रहा है? हाँ, सरकार चारा भी दे रही है क्या? चारा नहीं दे रही है? नहीं, चारा नहीं दे रहा है, खाली खाना पीना दे रहा है, खाली चावल दिनों के रात के दे रहा है। अच्छा, जानवरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? ना, अपन कीन के लाते हैं, सब खाते हैं सर। अपन कीन के लाते हैं, तो बाकी था चारा था क्या? डूब गया सब डूब गया चारा। अब वो की लेते हैं, भूसा किन के तक खिलाते हैं। अच्छा, भूसा किन के लाते हैं तो खिलाते हैं। हाँ, देखिए और लोग सबकी लाइफ देखिए, यहाँ जानवरों को भी उठा कर लाया गया है और यहाँ की स्थिति देखिए कि कैसे है, ये लोग रह रहे हैं। अभी चलेंगे, देखिए उधर। हाँ, कैमरा संभाल के लाइए, पानी से कैमरा बचाइए। देखिए, ये बच्चा सो रहा है और गोले से चौकी पे पानी बरस रहा है। ये व्यवस्था सरकार यही की है चाची, जब पानी घुर रहा है सगरों से। देखिए दादी हैं ये और लाचार हैं हर तरह से। पानी में काहे जाग रही हैं? का चूजी, चूजी का चूजी। सूते के जगह नहीं है? नहीं, देख दिखाइए इनको थोड़ा नजदीक से। देखिए इनका पैर हाथ सब टूटा हुआ है, तो आपको तो बहुत दिक्कत हो रहा होगा ना? बेटा भगा दिया है? आपका कहाँ घर है जो आपका बेटा भगा दिया है? अच्छा, इधर पे घर है आपका, तो बेटा काहे भगा दिया आपको? नहीं, ना तो बता सकते हैं ना कि कोई काहे भगा दिया, कि मतलब बाग 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 ये बाग बाग मैं राय के लेके घर छूटे
देखिए ये तो गलत बात है। देखिए एक तो सरकार व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, और ऊपर से इनका बेटा भगा दिया, और ये पूरी तरह से हाथ पैर से लाचार रहे हैं। ये लोग भी हैं देखिए, ये टेंट में इसे सो रहे हैं ये लोग। सरकार व्यवस्था दी है, इनफ है, पानी हो रहा है तो सब चू रहा है जी। हाँ यही ना, सब व्यवस्था ना आ जाता, ऐसे सब सुतल है ऊपर है, तो नीचे कहाँ पानी है, नीचे नीचे पूरा घर में पानी घुस गया है। तो यहाँ पानी सरकार खाना दे रही है बढ़िया? दाल भात खाली 12 बजे रात को आप खाना खा रही हैं, अभी मिला है खाना खा रही है। क्या करूँ, घर में लड़ाई झगड़ा गांव से हो गल तब कौची हम करी, गांव घर से लड़ाई झगड़ा हो गया है। काहे ला गांव घर से काहे लड़ाई हो गया? यही गाय के रुबाने के चलते कर लिया लड़ाई तो यही पे। हाँ तो यहाँ पे तो सरकार का जगह है, तो यहाँ पे काहे लड़ाई हो गया? पहले से हम छे कहीं से वहाँ तक कहे थे कि हटाओ हम बानी, इसलिए लड़ाई हो गया। हाँ बताइए, यहाँ पे आपस में सब लड़ियों जा रहा है, और बात वाजिब है क्या है कि देखिए जानवर भी रखना है खुद भी रहना है, अब व्यवस्था नहीं है तो कैसे रखेगा। तो ये बच्चा को पानी में कहाँ सुला दिए हैं आप? देखिए बच्चा सोया हुआ है, चारों तरफ से पानी हो रहा है, तो ये व्यवस्था है भाई, ये व्यवस्था है। फटल तिरपाल, यहाँ चमकदार लोग जो गाड़ी से बड़े बड़े फॉर्चूनर से जब यहाँ से क्रॉस करेंगे तो दिखेगा कि नहीं नहीं बिहार सरकार बहुत व्यवस्था की है बाढ़ को लेके। अब बिहार सरकार की व्यवस्था यही है कि यहाँ बारिश गिर रहा है। अब देखिए आ जाते हैं अभी बाहर, देखिए उधर आए, उधर कुछ कह रहा है लड़कन सब। तो देखिए ये पूरा आप दिखाइएगा तो वहाँ तक देखिएगा, पूरा टेंट है, पूरा सब विस्थापित लोग हैं यहाँ पे। हाँ और बाहर से देख के देखिए ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या, यहाँ पे बहुत अच्छा सा कुछ व्यवस्था है, लेकिन अंदर आप जाते हैं तो इसकी हवा ही तरह ही निकल जाती है सारा। तो देखिए ये लोग कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बोलिए है? ले देखो तो परेशानी नहीं बताओगे तो सरकार, तू आप लोग हंसोगे तो सरकार तो मजा ले रहा है, वो लोग व्यवस्था में सुतल होगा। ए जा चौकी की बाटिए तब ना सुतेगा सब चौकी पर। नहीं नहीं जितना लोग हंस रहा है इसको पटना के एक कन्ने मार्ग ले जाना चाहिए मुख्यमंत्री के आवास दिखाने के लिए, अभी कि कितना चमकदार आवास है, तब थोड़ा लगेगा कि जिस स्थिति और जिस जिंदगी को ये लड़के जी रहे हैं वो बहुत औसत से बहुत नीचे है। तो ये स्थिति अगर क्या कीजिएगा, आप लोग भी जाग रहे हैं, ये सब तो बच्चा है, आप लोग बताइए क्या स्थिति आ गया है कि यहाँ पे रहना पड़ रहा है? घर नहीं खे हम निशा के बेगर घर के बानी जान, किराया पर आई लाजान, वो भी पानी आ गल बा तो ऊपर आयल बानी सन, वो भी पानी ऊपर से बरखा था तो चुअता ही बा, ऐसा तिरपाल लागल बा, उधर से झट्टा से मारा था तो नींदे नहीं पड़ा, पानी से बैठल बानी सन। रात में बारिश हुआ तो बैठे हैं, तो तिरपाल देख के तो लग रहा है कि यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सब पानी चू रहा है। लोग के लागत है कि बहुत अच्छा व्यवस्था बनल बा, लेकिन जे रहत है जब वो न जानता कैसे रहत है, ओका पानी सगरो से चुअत है, लेकिन आदमी वहीं सुतल बा सब भींग जाता है। हाँ भींग जाता है बहुत कपड़ा भींग। क्या कहिएगा नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री हो का कहिएगा सुनेंगे तो? सब झटास मारता है, सोचे नहीं इधर से झटास मारता है, उधर से झटास मारता है, सारा कपड़ा भींग जाता है, बहुत तकलीफ होता है। चौकी पर बुढ़पन या सुतल ठेला पर बिछा के तो भी पानी पड़ल तो चौकी पर आके सुतल बना, बूढ़ी बैठल बड़ी क्या कर, मतलब सूते के जगह खत्म हो गया तो बैठ के रात काट रहे तब तो। बा बिहार भैया, तो देखिए ये है 2024 का बिहार, अब एक साल बाद चुनाव होंगे तो खूब डेवलप बिहार का ऐड चलाए जाएंगे अखबारों में, टीवी पे नया नया चमकदार बिहार, नीतीश कुमार के सुशासन वाला बिहार दिखेगा, सुसज्जित बिहार दिखेगा, डेवलप्ड बिहार दिखेगा, और अभी भी दिख रहा होगा जब यहाँ से आप गुजरिएगा तो टेंट बड़ा सुंदर दिखता है, तो टेंट सुंदर के हम अंदर की स्थिति दिखा रहे हैं, और आगे भी क्या होता है हम दिखाएंगे। बाकी इस रिपोर्ट को आप क्या राय दीजिएगा कमेंट करके बताइए, और बिहार की स्थिति कब सुधरेगा, क्या बाढ़ जैसे सिचुएशन का कोई इलाज होने वाला है, कोई व्यवस्था है सरकार के पास, या फिर हम अगला 2050 में भी इसी तरह से बाढ़ की रिपोर्टिंग कर रहे होंगे सेम जो 1980 और 85 में करते थे, आज भी तो ही कर रहे हैं ना, तो 2050 में भी यही करने वाले हैं क्या, अमृतकाल वाला भारत का बिहार ऐसा ही रहने वाला है क्या, राय जरूर दीजिएगा।